आज मैं आपको जो डिश बताने जा रही हूँ वो चिकन का एक डिश है। अब इसके लिए जो जो लगेगा मैं बताऊँ, ये हल्दी चिकन इसको कहते हैं। इसके लिए आपको चिकन लगेगा जिसको योगर्ट में हम लोगों ने मैरिनेट करके रख सकते हो। ये आलू के कटे हुए टुकड़े, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, शुगर, सॉल्ट, गोल मिर्च पाउडर, ये आपका है कश्मीरी लाल मिर्च, ये क्रश टोमेटो, ये हल्दी, हल्दी काफी मात्रा में चाहिए होगा क्योंकि इस रेसिपी का नाम ही हल्दी चिकन, ये दालचीनी, ये है आपका अनियन, गार्लिक और जिंजर पेस्ट, ये एक रेड सॉस है, ये कैसे बनाया जाता है मैं आपको बताऊंगी, ये घी है और अपने व्हाइट ऑयल में बनाएंगे, घी से गार्निश करेंगे। तो अब हम शुरू करते हैं। अब आलूओं को हम लोग तड़के साइड में रखे हैं। अब इस तेल में हम जो आलू वाला तेल था उसमें हम तेज पत्ता, सूखा मिर्चा और तीन चार जो भी है छोटे टुकड़े दालचीनी के डाल देंगे। इसको हल्का सा स्टर करने के बाद हमने जो चिकन मैरिनेटेड रखा था ये वाला, ये सारा फ्राई करेंगे। हम लोगों ने ये जो हल्दी लिया है इसको अब इस चिकन के साथ हल्का फ्राई करना होगा। इसके साथ हम लोग फ्राई करेंगे चिली पाउडर। अब ये चिकन को इस हल्दी के साथ बढ़िया से मिक्स कर लो और फिर 5 मिनट इसको फ्राई करो ताकि हल्दी का जो एक कच्चापन है वो चला जाए। अब जब ये फ्राई हो गया है तो अब इसमें आपको डालना है सॉल्ट और डालना है इसमें आपको शुगर, कश्मीरी रेड मिर्च जो है ये कलर के लिए, धनिया पाउडर, और आपको ये जो क्रश टोमेटो है वो डालना है। ये सारे चीज जो है डाल के आपको फिर अच्छा से इसको पहले फिर एक बार और स्टर करना है। ये थोड़ा सा लहसुन का पेस्ट है जो मैंने अलग से बना के रखा है ये, और इसमें जो है ये एक पेस्ट है जिसमें आपका अनियन है, जिंजर है और थोड़ा सा लहसुन का है, क्योंकि लहसुन थोड़ा ज्यादा चाहिए तो इसलिए मैंने अलग से थोड़ा सा जो शुरू में पेस्ट मैंने डाल ही दिया है लहसुन का, ये डालना है। इसमें डालना है ये जो मैंने एक रेड सॉस बनाया है ये डालना है। ये कैसे बनाया है ये मैं आपको बाद में बताऊंगी, ये डालना है। अब ये सबको अच्छा से मिलाना है। देखिए कितना सुंदर प्यारा सा कलर आ गया है। हम लोग कोई भी लेकिन कलर हम लोग कभी भी खाना में यूज नहीं करते हैं। अब ये जो मैंने तल के रखा था पोटैटोस इसको अब इसमें मैंने डाल दिया, ठीक है। अब फिर एक बार इसको मिला लेंगे। मैरिनेट करने के बाद ये दही का जो पानी छोड़ा था इसको मैंने फ्राई करने के टाइम अलग कर लिया था चिकन से, फिर चिकन फ्राई किया था, तो ये जो मैरिनेटेड के बाद जो दही ने पानी छोड़ा था ये पानी डालना है। देखिए अब जब बॉयल होना शुरू हो गया तो इसको अब करना है, बहुत ही ऑसम सा कलर आया, देखिए एकदम नेचुरल कलर। चिकन अब और पानी छोड़ना शुरू करेगा और जो भी हमने मसाला दिया वो भी पानी छोड़ना शुरू करेगा, तो अब इसको हम लोग को फिर ढक देना है। ढक कर इसको पकाना है 22-25 मिनट्स, बीच बीच में आपको खोल के थोड़ा चला लेना है। अब 30 मिनट्स हो गया है, एकदम से जो है ये चिकन पक गया है, आलू भी पक गया है। अब इसमें हमें क्या करना है, ये है क्रश्ड पेपर, ये मुझे क्रश्ड पेपर इसमें देना है। ये सारे जो है वो आप अपने स्वाद अनुसार दे सकते हो, मुझे हम लोग क्या पेपर का जो स्वाद है वो थोड़ा बहुत पसंद है तो हम इसमें थोड़ा ज्यादा देंगे। थोड़ी सी इलायची पाउडर एंड लौंग पाउडर एंड थोड़ा सा इसमें हम डालेंगे दालचीनी का पाउडर और इसमें डालेंगे थोड़ा सा घी। अब इसको ढक के जस्ट 2-3 मिनट्स हमें सिम पे रखना है, उसके बाद ये रेडी हो जाएगा सर्व करने। अब 3 मिनट हो गए, अब ये एकदम से इट्स रेडी टू सर्व है।